हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा चौहान, योर इंग्लिश टीचर। लास्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो एक अचानक से बंद हो गई थी, तो हमने जहाँ से लास्ट हम कर रहे थे वहाँ से हम अब स्टार्ट करेंगे। ओके, ओपन पेज नंबर 37। हमने किया था, हम एक्सरसाइज कर रहे थे, इसका सेकंड क्वेश्चन कर रहे थे। आई वांटेड टू सी द मूवी बट टिकट्स आर नॉट अवेलेबल। हम मूवी देखना चाहते थे, मैं मूवी देखना चाहता था लेकिन टिकट अवेलेबल नहीं था। ठीक है, इसका मीनिंग ये हो गया। नंबर थर्ड, वी स्टेड एट होम एंड और हम घर रुके और हमने क्या देखा, टीवी पे मूवी देखी। और आएगा यहाँ पे, द बस स्टॉप्ड एंड द बॉय गॉट ऑफ, मतलब वो लड़का उतरा, बस रुकी और लड़का उतरा। डू यू वॉन्ट टी और कॉफ़ी, जब ऑप्शन आ जाए तब क्या लिखते हैं हम, और कि तुम क्या पीना पसंद करोगे, टी या फिर कॉफ़ी। ओके, इट्स मैरीज हाउस और जॉन्स। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मैरी का घर है या फिर जॉन का घर है। आई कॉन्ट रिमेंबर हिज नेम बट नो हिम बाय फेस, मैं उसका नाम मुझे याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं उसका नेम, लेकिन मैं उसे बाय फेस जानता हूँ। तो यहाँ लेकिन बट कॉन्ट्रास्ट आ रहा है यहाँ पे। वी कैन गो बाय कार और वी कैन वॉक, हम कार से जा सकते हैं और हम या पैदल जा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है, जॉइन द टू सेंटेंसेस टू मेक वन, यूज एंड और वट, हमें एंड और वट का यूज़ करके इन सेंटेंसेस को एक बनाना है ना। तो यहाँ पे ही हैज़ ए डॉग, ही डज नॉट हैव ए कैट, तो यहाँ लिखेंगे बट ही हैज़ ए डॉग बट ही डज नॉट हैव ए कैट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट क्या लिखेंगे, बट यहाँ पर। नेक्स्ट है, डू यू राइट विद योर लेफ्ट हैंड, डू यू राइट विद योर राइट हैंड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डू यू राइट विद योर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो ये हो गया, एक बना दिया हमने, है ना। ये दो सेंटेंस थे, हमने एक सेंटेंस बना दिया, क्या जोड़ा हमने, और। रीना इज नॉट इंटेलिजेंट, सी इज हार्ड वर्किंग, तो लिखेंगे रीना इज नॉट इंटेलिजेंट, बट लगाएंगे यहाँ पे, वो इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन वो हार्ड वर्किंग है, मेहनती है। बट शी इज हार्ड वर्किंग, बट शी इज हार्ड वर्किंग। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट। सी लाइक्स एप्पल, सी लाइक्स स्ट्रॉबेरी, तो इसको दोनों ही पसंद हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी लाइक्स एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। शी लाइक्स एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ये हो गया। नंबर फाइव, ए टॉर्टॉइज रन्स स्लोली, ए टॉर्टॉइज रन्स स्टीडली, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए टॉर्टॉइज रन्स स्लोली एंड स्टीडली, STEADIL स्टीडली। ठीक है, एंड से हमने इनको जोड़ दिया, एक सेंटेंस बना दिया हमने। नेक्स्ट है, आई हैव ए कैमरा,
आई हैव ए टेलीस्कोप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई हैव ए कैमरा एंड लगाएंगे एंड टेलीस्कोप। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट सेंटेंस। ओके, आई हैव ए कैमरा एंड टेलीस्कोप। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, आपको नोटबुक में क्या करना है, नोटबुक में करना है आपको ये कंजक्शन के बारे में लिखना है। आपको चैप्टर नंबर 11 डाल के आप लिखेंगे, सबसे पहले आप चैप्टर नंबर लिखेंगे 11 और फिर उसके बाद चैप्टर का नेम लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे कंजक्शन, कंजक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे और ये एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल आपको राइट करना है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, अपनी बुक में फिल करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।